जय हिंद बेटा जी। बेटा जी अभी तक आपने 3 केस स्टडी वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, सीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट सीट पर, और नेक्स्ट सीट है आपकी बेटा केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी एग्जाम में आनी है, इसलिए हम केस स्टडी की बहुत सी तैयारी करेंगे, क्योंकि नंबर हमें पूरे पूरे चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक भी नंबर मिस नहीं करना है इस बार, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बहुत सरल होना है और नवंबर में आपके एग्जाम है। तो केस स्टडी कर रहे थे और सीट सभी लोग ले चुके, तो सभी के पास सीट है मोस्टली। तो बेटा केस स्टडी नंबर 4 देखो जल्दी से, ठीक है ना। 4 नंबर पर केस स्टडी क्या है बेटा, लिखा हुआ है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में है, कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में है, तब हमें क्या निकालना है बेटा उसका। बेटा पार्टिकल यदि मोशन में है तो वो क्या कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यदि पॉजिटिव है तो क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। यही तो बात, कहानी समझ में आ गई ना इतनी कहानी, चलो भाई। और मोशन में है, अब मोशन में है तो क्या हो रहा होगा बेटा, मोशन में है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लग रही होगी, और काइनेमेटिक्स की इक्वेशन सबको पता है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरी क्या थी, वी इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तो लगानी ही लगानी है, कहीं पर भी मोशन में कोई चीज आ जाए तो न्यूटन बाबा की जय, ठीक है ना। करनी करनी ऐसे कोरोना मत की, आपने की थी ना छुट्टी करा ली कोरोना की जा करके, इसलिए न्यूटन बाबा की जा करके। यानी काइनेमेटिक्स, यानी कि कहीं मोशन की बात आ गई तो न्यूटन की तीनों इक्वेशन तो लगानी ही लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज का। और न्यूटन की इक्वेशन होती क्या है सर, हम 11 में पढ़ चुके हैं सर। न्यूटन की इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है बेटा, 4 वेरिएबल होते हैं, 3 गिवन होंगे और चौथा निकालना पड़ेगा, बड़ी आसानी से निकल आता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। न्यूटन बेटा बाबा ने बहुत सा काम किया था, ठीक है ना। चलो भाई शुरुआत करते हैं, केस स्टडी को पढ़ना शुरू करते हैं सीधा, ठीक है ना। आपके पास सीट है, पढ़िए आप भी साथ में, मैं भी पढ़ डालता हूं। लिखा हुआ है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देगा तो कोई फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा सर, वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, डन। चलो भाई समझ में आ गई। इफ दिस इज अ ओनली फोर्स ऑन द पार्टिकल इट मस्ट बी नेट फोर्स ऑन द नेट फोर्स इट इज इफ दिस इज अ ओनली फोर्स ऑन द पार्टिकल बेटा यही ऑन पार्टिकल होगा, इट मस्ट बी नेट फोर्स, द नेट फोर्स विल बी कॉज ऑफ पार्टिकल टू द एक्सलेट अकॉर्डिंग द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बेटा वो कह रहा है नेट फोर्स यदि कहीं काम करता है तो हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ रखा है, वो क्या होता है F इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स, जो फोर्स होगा वो फोर्स किसके इक्वल होगा सर, न्यूटन के सेकेंड लॉ के इक्वल होगा। यानी कि जो भी वैल्यू फोर्स की निकलेगी वो किसके इक्वल निकलेगी बेटा, F इक्वल टू एम ए के इक्वल निकलेगी। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है F इक्वल टू क्यू ई, यही तो होता है। लेकिन वो कह रहा है किसके इक्वल होगा, ये न्यूटन बाबा के सेकंड के इक्वल होगा, एफ इक्वल टू एम ए। यानी कि यहां से हमें क्या मिल गया, क्यू ई इक्वल टू एम ए, जहां पर ई क्यू क्या है वैल्यू ऑफ चार्ज, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है मास ऑफ द चार्ज बॉडी, ठीक है ना। मास यानी कि पॉइंट इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी, यदि प्रोटॉन है तो 6.67 × 10⁻²⁴ केजी, ठीक है ना। और ए क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, जो चार्ज पार्टी एक्सेलरेट कर रहा है उसका एक्सेलरेशन। चलो भाई इतना समझ में आ गया हमारे पास। आगे सेकेंड लॉ, सो सेकेंड लॉ तो पता आ गया F इक्वल टू एम ए है, ठीक है। चलिए आगे आप देख रहे हो एक डायग्राम बना हुआ है, और एक डायग्राम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव तरफ जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है और डायरेक्ट सीधा नहीं जा रहा है, इस तरह से कर्व करके जा रहा है। और ये कर्व मेथड जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, यदि आप देखो ना बेटा तो एक पैराबोला सा बन रहा है, ठीक है ना, एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है, याद रखना एक पैराबोला बन रहा है डायग्राम में जो दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि डायग्राम आपके पास ऑलरेडी है। If E is a uniform, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कुछ गिवन एक सीट में, then E is a constant, जब E constant है तो A भी constant होगा, क्योंकि बेटा Q चार्ज constant होता है, E constant है, मास तो फिक्स है ही यार, ठीक है ना। तो M A भी constant होगा,
इफ द पार्टिकल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, यदि पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा, यदि कोई बॉडी आपके पास, यदि मैं कहूँ मेरे पास एक बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा सर, इधर को भागेगा, इधर को भागेगा, चिपकेगा तो नहीं, क्योंकि कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर होगा हमारे पास, तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जा रहा होगा सर, इधर जा रहा होगा, यानी कि लिखा हुआ है इस इट एक्सलेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनाई मैंने, इसी डायरेक्शन में इसका होगा डायरेक्शन, डन। और आगे लिखा हुआ है इफ द पार्टिकल इज अ नेगेटिव चार्ज, यदि बेटा इसी की जगह पर यदि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां भागेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, खुद देखो यार नेगेटिव है तो जा जाएगा ना पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। साथ में लिखा हुआ कोई बड़ी बात नहीं, आपको ऑलरेडी नॉलेज में है सब कुछ, ठीक है ना। इफ द पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज देन एक्सलेट इन द डायरेक्शन अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है, ठीक है ना। सिंस द एक्सलेशन इज अ कॉन्स्टेंट, बेटा एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, देन वी यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशन, में पहले ही बोली थी कि कभी एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन यानी कि यू इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, हमें लगानी ही पड़ेंगी, डन बेटा हमें लगानी पड़ेंगी। लिखा हुआ है काइनेमेटिक इक्वेशन कैन बी यूज्ड, डन, हमें पता है लगानी पड़ती है क्योंकि मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर वन, अब सीट के क्वेश्चन नंबर वन पे आ गए, हमने जो समझना था समझ लिया। एक तो यहाँ पे क्या बन रहा है सर, एक पैराबोला बन रहा है, बीच में डायग्राम बनाया, इसलिए मैंने इसको अंडरस्टूड कर रख रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में आएगा तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, चलो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, और उसका मास कितना गिवन है मेरे लाल, मास कितना गिवन है, एम मास गिवन है, ठीक है ना, क्या गिवन है, एम मास गिवन है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है चार्ज, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का सर, सी एच ए आर जी ई, चार्ज कितना गिवन है, चार्ज गिवन है बेटा, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, चार्ज ई बेटा, चार्ज ई गिवन है, ठीक है ना, चार्ज ई फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस एच, यानी कि डिस्टेंस, 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 एंड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को हम सिंबल प्रूफ करते हैं एस से, और ये कितना है बेटा, एच है, एच इन मीटर, वेरी गुड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फाइंड देन टाइम टू फॉल, यानी कि टाइम निकालना है, बिल्कुल न्यूटन बाबा की जय, टाइम निकालना है। खुद देखो बेटा, एम ई एच और टाउ, बेटा क्या इस वाली कंडीशन से हम ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू कितना होगा सर, क्यू ई अपॉन एम, और बेटा यहां पर क्यू की देखो चार्ज कितना गिवन है सर, चार्ज का सिंबल क्यू होता है, और क्यू इक्वल टू कितना है, ई स्मॉल ई गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई और मास एम, जय हो न्यूटन बाबा की, यानी कि हमें ए मिल गया, ए मिल गया, चलो भाई ए मिल गया। दूसरा हमें इलेक्ट्रॉन कैसा था, इलेक्ट्रॉन मास एम, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एम है, और इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, कहीं लिखा हुआ होता इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम चार्ज ई फॉल्स, मतलब फॉल्स मतलब यहां से टपक रहा है, यहां से टपक रहा है, यानी कि यू इक्वल टू कितना होगा मेरे लाल, यू इक्वल टू हमारा जीरो होगा, हमें जे भी मालूम पड़ गया क्योंकि फॉल्स लिखा हुआ है, डन। चलो भाई अब पूछा गया है टाइम, पूछा गया है टाइम निकालना है, बड़ी सरल सा क्वेश्चन है बेटा, देखना मैं पहले ही बोल चुका हूं कि न्यूटन ने बहुत सरल तरीका दिया था, कोई भी आपको वेरिएबल निकालना हो तीन गिवन होंगे एक चाहिए होगा। पहला देखते हैं सर, यू गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, ठीक है, क्या हमें वी निकालना है, तो वी गिवन है, नहीं गिवन है ना, यू तो गिवन है बट वी नहीं है, और ए गिवन है और टी, यानी कि दो वेरिएबल निकालने पूछ रहे हैं, नहीं निकाल पाएंगे। अब आते हैं सेकंड वाली पर, सेकंड इक्वेशन क्या लिखी है बेटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है सर, एस गिवन है, एच यू जीरो, ए गिवन है सर, जो लिखा हुआ ए, और टी निकालना है आसानी से निकल जाएगा क्योंकि तीन वेरिएबल गिवन है, चौथा आसानी से निकलना ही है। एच कितना लिखा सर, एच लिखा, यू की जगह पर जीरो रखा और जीरो इंटू टी, तो जीरो ही हो गया मेरे लाल, प्लस वन बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है ई ई अपॉन एम, और यहां से मैंने कर दिया टी स्क्वायर। थोड़ा देखना बेटा, एच इक्वल टू हाफ ई ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर,
यहां से मेरे लाल टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2HM/E कैपिटल ई, और यहां से टी पूछा है, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर में अंडर रूट में 2HM/E ई, ये आपका आंसर हो गया टी। निकालना सी जरूर सीखना बेटा इसको, ठीक है ना, यानी कि पहले का आंसर कौन सा है, ई आंसर है, यानी मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो लिख देता हूं फर्स्ट का आंसर है वो कौन सा होगा, मेरे लाल ए आंसर होगा फर्स्ट का, समझ गया कैसे। सर काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगानी है, वो खुद हिंट दे रहा है भाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा ले, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा ली पहली लगेगी नहीं, दूसरी सॉल्व कर लिया और टाइम निकाल दिया, सर इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन डन 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 डन, बहुत सरल था, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज पर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, या फिर रोक पॉज करना, ठीक है ना, फिर क्या करना, पॉज करना वीडियो को, इसको नोट करना, उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराना, कर दो तुमने लिया होगा, लाइक जरूर कर देना वरना बहुत गुस्सा आएगी, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं अब रफ ही कर देता हूँ कि तुम लोग फिर पॉज नहीं करते हो, मुझे सुनते भी नहीं हो पॉज भी नहीं करते, उसे रफ कर देता हूँ, अब बैक करना। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस एंटर इन अ यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाइड अलोंग वाई एक्सिस देन इलेक्ट्रॉन मूव्स। बेटा वो एक डायग्राम बना हुआ था और डायग्राम देखो, इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ एंटर कर रहा है और वाई एक्सिस की तरफ फील्ड होगी, तो कहाँ जाएगा भैया, ऊपर की तरफ जाएगा, और जे डायग्राम सीधा ऊपर से पक जाएगा, क्या जाएगा, ओए ओए गोल चक्कर लगा के जाएगा ना, और गोल गोल चक्कर नहीं लगाएगा, सर्कुलर पाथ चलाएगा, कैसे लगाएगा, ऐसा लगा पैराबोलिक पाथ लगाएगा, और पैराबोला की पाथ यदि मैथ जानते हैं तो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू होती है ए एक्स, क्या होती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मेरे लाल ए एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है ना, यानी कि इसका पहले सेकंड वाले का सीधा सीधा आंसर होगा बेटा, डायग्राम बेस्ड था और सी आंसर होगा, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर आंसर होगा, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, डन मेरे लाल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड पढ़ना पड़ेगा, बड़ा सा दिख रहा है सॉल्व करने सकल से तो बड़ा दिख रहा है भैया, चलो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, भाई देखना एक तो चार्ज कितना गिवन है क्यू और दूसरा कितना है माइनस क्यू, दो इक्वल हैं बट अपोजिट इन पोलैरिटी है, लिखा हुआ सबसे पढ़ लिया मैंने, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ मास m1 एंड m2, भैया इसका मास कितना है m1 और इस वाले का मास कितना है मेरे लाल m2 मास है, m2 मास है, वेरी गुड, आर एक्सेलेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सेलेट करने तो क्या फर्क पड़ता है, द टाइम द सेम एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, थ्रू अ सेम डिस्टेंस एक्सेलेट कर रहा है सेम डिस्टेंस, ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है भैया इनका ए वन अपॉन ए टू का रेशियो क्या होगा, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, देखते हैं आगे क्या कुछ गिवन भी है, एंड देयर मासेस का रेशियो, बेटा गिवन भी गिवन है, फायदा हो गया, गिवन गिवन क्या गिवन है, सर गिवन है हमारे पास ले 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 m1 अपॉन m2 इक्वल टू 0.5, देख लिया है m1 अपॉन m2 इक्वल टू 0.5, या फिर इसका उल्टा कर ले सर m2 अपॉन m1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.5, क्या किया सर औंधा कर दिया, याद आ गया क्या, एम को डब्लू बना दिया, मुन्नू की अम्मा को डब्लू कर दिया, ठीक है, औंधा कर दिया, अब जो औंधा करने के बाद कितना हो गया सर पॉइंट हटाया 10 हुआ और ये 2, क्या किया सर इसका यदि औंधा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा एम वन अपॉन सॉरी एम टू, एम टू अपॉन एम वन इक्वल टू 2, ठीक है ना, क्यों कर लिया हमारी मर्जी, क्योंकि बोर्ड हमारा है, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे वरना तो उसको यूज कर ही लेंगे, ठीक है ना, पहले से करके रखो औंधा बौंधा सब पहले कर लिया करो, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है, ए वन और ए टू का रेशियो पूछा गया है, जे क्वेश्चन मार्क हमारा अभी चल ही रहा है, ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं सॉल्व करने की तरीका, बहुत सरल है बेटा, कुछ नहीं लंबा दिख रहा है, कुछ नहीं बेटा, फोर्स तो बराबर होगा बट डायरेक्शन इस अपोजिट होगा, ध्यान रखना यदि फोर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है, ई इक्वल टू क्यू इन टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, चार्ज भी खुद कह रहा सेम है बट अपोजिट पोलैरिटी है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, यदि हम बात करें एफ का सॉरी एफ इक्वल टू क्यू इक्वल टू, ठीक है ना, एफ इक्वल टू क्यू इन टू ई, तो बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एफ इक्वल टू हम पहले पढ़ चुके हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है, जब वहां लिखा हुआ है तो क्यू ई और एम ए बराबर होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई और एफ इक्वल टू एम ए बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि सर फर्स्ट वाले का फोर्स
फर्स्ट वाले का फोर्स मैंने F1 मान लिया और सेकंड वाले का फोर्स F2 मान लिया, बराबर होगा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। हम डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे, हम तो केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। F1 M2 मैंने एरो लगाया ही नहीं, ठीक है ना। F1 F2 क्योंकि चार्ज सेम है, क्योंकि चार्ज वो खुद कह रहा सेम है, अपोजिट पोलैरिटी दिखा रहा है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं। तो दोनों का वैल्यू इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज सेम है, जब चार्ज सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। तो मैं आप पॉइंट लिख देता हूं, फोर्स इज सेम बिकॉज चार्ज सेम, ठीक है ना। फोर्स सेम है क्योंकि चार्ज सेम है। अब जब फोर्स सेम है, चार्ज सेम है, तो हमें निकालना क्या है, सर फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, तो एम वन ए वन इक्वल टू एम टू ए टू, जय हो न्यूटन बाबा की सेकंड लॉ की, यही तो होगा एफ इक्वल टू एम ए। निकालना क्या था सर, निकालना था ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू किया तो क्या हो जाएगा, एम टू अपॉन एम वन, हो अपने पहले निकाल रखा था, एम वन अपॉन एम टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, यानी कि A1 अपॉन A2 कितना निकला, 2 निकला, और ले ले हमने पहले कर लिया था जो, यानी कि आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा आपका, थर्ड का आंसर ए आंसर। कौन सा आंसर बेटा, थर्ड का आंसर ए। वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करना, और पॉज करने के बाद फिर दो लोगों को सब्सक्राइब करना, उनकी घंटी टुन टुन बजनी चाहिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है ना। चलिए भाई डन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q इज कैप्ट एट रेस्ट। चलो भाई ठीक है, एक पार्टिकल है मास गिवन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है इसका, पार्टिकल है और उसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल का मास m है। बेटा मास कितना गिवन है, सर स्मॉल m है, रेस्ट में है, यानी कि u इक्वल टू कितना है, 0 गिवन है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया कि रेस्ट में है तो u इक्वल टू 0 गिवन है, डन। हाँ हाँ हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, गिवन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई गिवन है, ओके ठीक है। एंड देन रिलीज, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, अब भागेगा जो का देखा जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई भागा आपको, इन द काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी पूछिए यार, काइनेटिक एनर्जी, और क्या पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी सी बात, 1/2 एम वी स्क्वायर। बेटा एम तो एम गिवन है, वी निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, ई गिवन है, ठीक है ना। और कौन गिर रहा है देख लें, आप पार्टिकल, पार्टिकल यानी कि चार्ज क्यू समझ लेते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट चार्ज इक्वल टू क्यू, चार्ज कितना मान लिया, क्यू मान लिया, पसीने नहा गया हूं, कम से कम इस बार कम से कम 20 सब्सक्राइबर बनने चाहिए, बना थोड़ी पढ़ाई करूंगा मैं, ठीक है ना। लेट चार्ज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना, चार्ज क्यू मैंने मान लिया। अब जब चार्ज क्यू मान लिया, सर एम गिवन है और वी निकालना है, जहो न्यूटन बाबा की, वी इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, थोड़ा देखना बेटा, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर डायरेक्ट निकलेगा, यू की वैल्यू 0 गिवन है, पहली मालूम पड़ गई, प्लस 2, 2 की जगह पर 2 लिख दिया, a, a तो हमने यहां से निकाल ही लिया था, a इक्वल टू क्या निकलेगा, क्यू ई अपॉन एम, मैं यहां लिख देता हूं, यहीं से निकाल लेता हूं, a इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, मैं लिख देता हूं क्यू ई अपॉन एम, ये तो a हो गया। अब डिस्टेंस भी क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है देख लेते हैं, डिस्टेंस बेटा लिखा हुआ डिस्टेंस, व्हेन इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस वाई, यानी डिस्टेंस क्वेश्चन में और गिवन था, डिस्टेंस कितनी है बेटा, वाई गिवन है, और डिस्टेंस एस, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, मैं लिखता हूँ डी आई एस टी ए एन सी ई, डिस्टेंस इक्वल टू, यानी कि सिंबल एस होता है डिस्टेंस का, और वो कितनी गिवन है, वाई गिवन है, यानी कि वाई का मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है ना। सॉल्व हो गया यार, यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 2qey/m, कर दो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू, जो 1/2 क्वेश्चन अपने पास फॉर्मूले में है, मास कितना है, सर मास भी तो एम है, ठीक है ना, और वी स्क्वायर की वैल्यू पूरी रख दो यहाँ पर, ये पूरी वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2qey/m, m से m कट्टा, 2 से 2 कट्टा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू qey, आंसर डन। कौन सा है, क्यू ई वाई, बी आंसर है, यानी कि फोर्थ का आंसर कितना होगा बेटा, बी आंसर होगा, क्यू ई वाई, फोर्थ का आंसर कितना है, क्यू ई वाई फोर्थ का आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर,
फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है जहां मर्जी तहां डोल बेटा तू डोल, ठीक है ना, इट विल बी ट्रेवल। एक चार्ज पार्टिकल है मूव करने को तैयार है कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये जाएगा किधर, किस जगह से चलेगा, पहला लिखा हुआ अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स, नहीं दूसरा लिखा अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, इट इज इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, बिल्कुल सही है बेटा, फोर्स की लाइन में ट्रेवल करेगा, लेकिन जो चलना शुरुआत कब से करेगा, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, बिल्कुल सही है, यानी कि बी पार्ट सही है, तीसरा में पढ़ना ही नहीं, पिछले लिखा है लाइन ऑफ फोर्स बी सम इनिशियल वेलोसिटी, नहीं कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, पहले रुका हुआ होगा, ठीक है ना, नॉट दी बेटा, इसका आंसर होगा बी, यानी कि यदि हम बात करें फिफ्थ का आंसर, यानी कि फिफ्थ का आंसर कितना होगा मेरे लाल, बी होगा, लाइन ऑफ फोर्स के चलेगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, उसकी वेलोसिटी होगी बेटा शुरुआत में जीरो होगी, कितनी होगी शुरुआत में वेलोसिटी होगी जीरो, डन, यानी कि शुरुआत में जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करना शुरू हो गया। अब आपका जो कौन सा हो गया, केस स्टडी नंबर फोर हो गया, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट और दो केस स्टडी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और मुस्कुराते रहिए, जय हिंद बेटा, गुड बाय।